यहाँ से लेकर 23 किलोमीटर, मैं इस समय अर्की पौड़ी पर हूँ और यहाँ पे जो है ना 23 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है ऋषिकेश का। अब देखो यहाँ से चलते हैं हम सीधा और देखते हैं कि कितनी कितनी दूरी के बाद कितने कितने किलोमीटर कम होते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार मेन हाईवे पे इस समय मैं हूँ, आज जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश गाड़ी लेकर और अभी अर्की पौड़ी क्रॉस किया है तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन जो आपको प्रोजेक्ट्स दिखते हैं इस रोड पे वो इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली दूधाधारी चौक पे जो एक काम चल रहा है उसके अलावा ठीक है भाई। यार बंगाल की गाड़ियां ना सारी ऐसी क्यों होती हैं अजीब अजीब सी। नॉर्मली मैं ऋषिकेश जाता हूँ ना बाइक से जाता हूँ तो मेरे को ये चिंता नहीं होती कि शामपुर पे जाम लगा रहेगा या फिर ये अभी दूधाधारी चौक जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ अभी दिखाता हूँ आपको, वहाँ भी जाम लगा रहता है क्योंकि वहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। बट आज गाड़ी लेके जा रहा हूँ और गाड़ी ले जाने का रीज़न, अब सर्दियाँ आ रही हैं थोड़ा ठंड लगती है तो जिस दिन मैं लेट आता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन गाड़ी लेके जाऊँगा, जिस दिन जल्दी आया करूँगा ऋषिकेश से उस दिन बाइक लेके जाऊँगा क्योंकि गाड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, ट्रिप तीन से चार गुना एक्सपेंसिव पड़ेगी मेरे को बाइक के कंपैरिजन में। अरे बाइक में हम 100-120 रुपए के तेल में आना जाना कर देते हैं और गाड़ी में कम से कम 350-400 रुपए तेल लगेगा एक दिन का राउंड, बाकी गर्मी में अपनी बाइक जिंदाबाद है। तो मैं जी दूधाधारी चौक वाले फ्लाईओवर साइड पे पहुंचने वाला हूँ, अब आपको दिखाता हूँ मैं सामने क्या काम चल रहा है। तो ये अब दूधाधारी चौक पे जो काम चल रहा है वो ऑलमोस्ट भूपत वाला चौक तक आ चुका है। अब आप थोड़ा मेरा लेफ्ट राइट साइड में आप देख सकते हो काम चल रहा है यहाँ पे काफ़ी आगे तक आ चुका है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। ये जरूर है कि यहाँ पे एटलीस्ट जाम तो नहीं लगता, अगर यहाँ गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल ही जा रही है। वैसे भी जो जाम वाला टाइम था वो निकल चुका है, जाम वाला टाइम था जब ये यात्रा बहुत पीक पे थी शुरू शुरू में मई जून के टाइम पर, मतलब जून जुलाई के टाइम पर। मैंने गलती कर दी, मैं अगर गाड़ी लेके आऊँगा ना अब मैं इस वाली रोड से तो कतई नहीं आऊँगा एटलीस्ट दिन में। तो जिस दिन हम लेट निकले उस दिन तो बहुत ठीक, अगर हम कहाँ से पहले निकल रहे हैं घर से, कहाँ से इस वाली रोड से, मेन रोड से हम तब निकल सकते हैं अगर हम घर से आधे घंटे पहले निकलते हैं। मान लो कि अगर हम 7:30 बजे घर से निकलते हैं तो हम सोच सकते हैं यहाँ से आने की, लेकिन बात वही है ना कि गाड़ी हम उस दिन लेके जाएंगे जिस दिन हमें ऑफिस से लेट आना है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम जिला रोड से निकलें क्योंकि दिन में जाते हुए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वापसी आते हुए शाम को 7:30-7:45 बज जाएंगे आते आते, तो डेफिनेटली जिला फॉरेस्ट वाली रोड से आने का मतलब ही नहीं बनता। चैलेंजेस बहुत है भाई ऋषिकेश हरिद्वार आने जाने में और इतना डेयरिंग भी नहीं हूँ मैं कि रात को वहाँ से जिला वाले रोड से आऊँ, हाथियों ने हाई हेलो कह देना अगर तो बस हो जाएगा। हम जब मैं हरकी पौड़ी क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे ऋषिकेश का डिस्टेंस लिखा था 23 किलोमीटर, अभी मोतीचूर वाली फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा हूँ और जहाँ से मोतीचूर वाला फ्लाईओवर शुरू होता है वहाँ पे लिखा हुआ है 22 किलोमीटर, मतलब जहाँ हरकी पौड़ी से लेकर मोतीचूर फ्लाईओवर तक करीब करीब 5-6 किलोमीटर होगा, आराम से होगा 5-6 किलोमीटर। और इस 5-6 किलोमीटर में सिर्फ 1 किलोमीटर कम किया हुआ है इन्होंने, पता नहीं समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है, 5 किलोमीटर का डिफरेंस सीधा कैसे आ सकता है, या तो हरकी पौड़ी पे गलत लिखा हुआ है 23 किलोमीटर। वैसे मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं जहाँ मेरा जो ऑफिस है वो बिल्कुल मेन बाजार में है, ये मान के चलो एग्जैक्टली ऋषिकेश के अंदर है, तो अगर मैं उसे डिस्टेंस मानूँ तो वो जो ये मोतीचूर वाला 23 किलोमीटर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल में अब यहाँ से करीब करीब 16-17 किलोमीटर ही है प्रॉपर ऋषिकेश तक, आप किसी भी रोड से चले जाओ। तो जी सामने देखो एक और बोर्ड आ रहा है जहाँ पे लिखे हुए हैं किलोमीटर्स और देखते हैं कि यहाँ से ऋषिकेश कितना किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ से ऋषिकेश लिखा हुआ है 18 किलोमीटर, तो मोतीचूर से लेकर यहाँ तक हमने 4 किलोमीटर कवर किए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि मोतीचूर जहाँ पे 22 किलोमीटर लिखा था और उसके बाद ये जो 18 किलोमीटर लिखा है, हाँ हमने 4 किलोमीटर कवर किए होंगे डेफिनेटली, लेकिन
ये 18 किलोमीटर भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 18 नहीं 18 से कम है। यहाँ से ऋषिकेश 14 किलोमीटर एक्चुअल में। एनीवेज ये 18 किलोमीटर का बोर्ड हमने क्रॉस कर लिया है, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड कितने किलोमीटर का आता है। और रेड सिग्नल आ गया है, अब इन रेड सिग्नल्स पे रुक के ना फील आता है कि भाई ये कभी हम बड़े शहरों में जाते थे ना तो वहीं रुकते थे, अब छोटे शहरों में भी हमें रेड सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है, इसका मतलब हमारे शहर बड़े हो गए हैं ना। मतलब जब हम दिल्ली जाते थे ना तो वहाँ पे इरिटेशन होती थी रेड लाइटों की, फिर रुकना पड़ रहा, फिर हम ना बड़े चौड़े होते थे। अब हमारे शहरों में नहीं है रेड लाइट वाइट लाइट, एकदम स्मूथ ट्रैफिक चलता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे शहर इतने छोटे हैं कि वहाँ पे जरूरत ही नहीं होती थी। बट अब जरूरत होती है, अब हाईवे बन चुके हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह ट्रैफिक सिग्नल्स लग गए हैं। अगला बोर्ड आ गया, अब अगले बोर्ड पे कितना लिखा है ये देखते हैं। भाई यहाँ लिखा है ऋषिकेश 15 किलोमीटर, मुश्किल से अभी 1.5 किलोमीटर पहले 18 किलोमीटर लिखा था और यहाँ सीधा 15 किलोमीटर आ गया, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर का गैप इन्होंने यहाँ पर भी गैप कर दिया। ओके जी, यहाँ लिखा है 14 किलोमीटर, तो ये जो 14 किलोमीटर का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है ना, ये लगना चाहिए था रायवाला में जहाँ पे 18 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ से 18 नहीं, वहाँ से 14 ही किलोमीटर है ऋषिकेश। तो 1 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद यहाँ जो बोर्ड है वो कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। इसको इन्होंने, मैं बताता हूँ, यहाँ पे पहले 15 किलोमीटर था, इन्होंने बाद में इसको करके 14 किया हुआ है, बट अगेन वो भी गलत है, क्योंकि 14 किलोमीटर का बोर्ड तो पीछे सत्यनारायण मंदिर पे था, तब से तो मैं 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, यहाँ तो 13 होना चाहिए था, बट यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 14 किलोमीटर फिर से लिखा हुआ है। और आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, ओके यहाँ लिखा हुआ है 13 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर मैंने कवर किए हैं 2 लगभग, और सिर्फ 1 ही किलोमीटर इन्होंने कम करके यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 किलोमीटर। शामपुर फाटक पे मैं पहुँच चुका हूँ, डेली मैं यहाँ तक जाम होता है, आज यहाँ तक तो नहीं है कम से कम, बट जो भी थोड़ा बहुत जाम होगा वो फाटक के आसपास ही होगा, शायद मेरे को बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, बस गाड़ी रुके ना चलती रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीच में एक बार रुक जाए ना, ऐसे में डर ये रहता है कि फाटक कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। अब गाड़ी तो धीरे धीरे निकलेगी, बाइक तो एकदम से राइट साइड से निकालते हुए सीधा फाटक क्रॉस, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फाटक बंद होते होते भी वो रोक देता है, जो बाइक वाले होते हैं वो निकल जाते हैं। एक क्लास हमारी यहाँ चल रही है थ्योरी वाली, एक यहाँ चल रही है प्रैक्टिकल वाली, तो ये जो मेरी क्लास है ये है प्रैक्टिकल वाली क्लास, इधर थ्योरी वाली क्लास है इसके उस तरफ, और ये हमारे दोनों जो फैकल्टीज़ हैं वो इस समय क्लास ले रहे हैं। वैसे क्लास मैं भी लेता हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी मैं क्लास कम और मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसमें पूरा डेटा मैनेज होता है अपना, कितने बच्चे एबसेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ सब कुछ चढ़ा देते हैं बेसिकली, सब कुछ मतलब सब कुछ